अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, टोयोटा GLI गाड़ी। तो इसकी थ्रॉटल किस तरह ओपन करते हैं, मुकम्मल ट्यूनिंग किस तरह करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। ये भी हम थ्रॉटल को खोल रहे हैं, इसके जार नट हैं, इनको खोल लेंगे और प्लास की मदद से इसके ऊपर ये जो क्लिप लगे हैं ना, इनको हटा लेंगे और ये जो फ्यूल पाइप वगैरह है ना, इनको हम उतार लेंगे आराम से। तो हमारी थ्रॉटल जो है ना, वो बाहर आ जाएगी। दोबारा हम आपको वापस लगाने का भी तरीका बताएंगे कि वापस किस तरह इसको सेट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये इसकी थ्रॉटल है टोयोटा GLI की। अभी इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, इसकी ट्यूनिंग करेंगे और इसको दोबारा वापस लगाएंगे। ये देखें जी, ये किस तरह वापस लगाते हैं इसको। बड़ा इजी है लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली घर पे भी इसको खोल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। इसके नट लगाएंगे वापस और इसको इनको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। तो जब भी गाड़ी की ट्यूनिंग कराएं अपनी किसी भी गाड़ी की, तो उसको उसकी जो ये थ्रॉटल है ना, ये जितनी बड़ी गाड़ियां आती हैं EFI, उनमें ये थ्रॉटल आती है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करवाएं और या तो इसको पूरा ओपन करके इसको पेट्रोल की मदद से साफ़ करवाया जाए, या फिर कार्बोरेटर क्लीनर आता है और DW है, WD-40 की मदद से इसको क्लीन कर लें। ये इसका एयर फिल्टर हो गया, इसको एयर फिल्टर का ये कवर है, इसको इसे अंदर अच्छी तरह बिठा के ऊपर इसके इस तरह कवर लग जाएगा इसका। ये इसका फ्यूल पाइप है और इसके अलावा इसको इधर लगा देंगे। ये इसके प्लग वगैरह जहाँ जहाँ से आपने उतारने हैं, आपने वहाँ वापस पैसे लगा देने हैं। और अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हमारा नंबर भी लिख लें 03491203006। आप हमें कॉल करें, हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको A to Z बता देंगे। और अगर आप गाड़ी ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको एड्रेस दे देंगे और आप हमारे एड्रेस पे गाड़ी ले आएँ और हम आपको इसमें गाड़ी मिसिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गाड़ी रेस नहीं ले रही थी। तो चढ़ाई पे इसको मसला आ रहा था कि चढ़ाई पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और बस दफ़ा ऐसा होता है कि लोग गाड़ी वॉश करवाते हैं और वो फिर बाद में एयर वगैरह नहीं मरवाते उसमें, तो जिसकी वजह से ये फिर
इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, या फिर ये इसके ब्लॉग्स हैं। बारिश के पानी में से अगर आप ज़्यादा स्पीड में निकलेंगे तो वो फिर उससे भी आपकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, तो लिहाजा इससे बैटरी को टाइट कर देंगे ऐसे। और ये हमारी गाड़ी के प्लग हैं जो पावर प्लग होते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे नीचे और फिर लॉक कर देंगे। ऐसे प्रेस किया और ये आराम से लॉक कर दिया इसको। अभी मैं एंड पे आपको बताऊंगा, आपको इसकी प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा कि गाड़ी किस तरह मिसिंग कर रही थी। गाड़ी बिल्कुल भी रेस नहीं ले रही थी, ज़रा सी चढ़ाई पे गाड़ी रुक जाती और रेस फुल हो जाती, और गाड़ी में जोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो अभी आप लास्ट में वीडियो पूरी देखें, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से हमने इसकी ट्यूनिंग वगैरह की।